हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्रॉम फूड। मैं प्रदरी पंडित आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है पास्ता सैंडविच एंड चोको लावा केक। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक टेबलस्पून बटर लेंगे, एक फाइनली चॉप गार्लिक लिया, लहसुन, एक टेबलस्पून मैदा डालेंगे। हम पिंक सॉस पास्ता बना रहे हैं, उसकी सैंडविच बनेगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, इसमें लम्स ना बनने पाए। हाफ ग्लास मिल्क डालेंगे, इसे मिक्स कर दीजिए। ब्लैक पेपर डालेंगे, अब उबला हुआ कॉर्न डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, आपको जो जो आपका जो मन है वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून दो चम्मच हम पिज्जा पास्ता सॉस डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, चीज डालेंगे। मेरे पास चीज स्लाइस है तो मैंने वो डाला है, आप प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं। इसमें चीज मेल्ट होने देंगे। पास्ता मसाला डालेंगे, अब चिली फ्लेक्स डालेंगे, हर्ब्स, ओरिगैनो, अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे। मैंने पहले से बॉईल किया हुआ पास्ता रखा था, पैन में डाल देंगे। पिंक सॉस पास्ता एकदम बन के तैयार है अच्छी तरह से। एक बड़ा चम्मच हम मेयोनीज लेंगे, पहले 1 टेबलस्पून हम टमाटो केचप लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स मिक्स करेंगे। ऑप्शनल है, आपको मिक्स करना है तो डाल कैसे मिक्स करके बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सॉस को बना सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस लेंगे अब हम, पहले हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ऐसे तरह लगाएंगे सॉस को। अभी ढेर सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप स्नैक्स के रूप में मेहमानों को सबको सर्व कर सकते हैं। पास्ता लेंगे, हम चीज की स्लाइस डालेंगे ऐसे इस तरह, फिर एक स्लाइस और लेंगे, इसमें हम सॉस लगाएंगे इस तरह, इसमें हम बटर लगाएंगे। आप इसे तावे भी बना सकते हैं। तावे भी सेक सकते हैं, आपके पास टोस्टर ना हो तो। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी। हमारा सैंडविच बनकर तैयार है, हमारा सैंडविच एकदम बनकर तैयार है। हमारा पास्ता सैंडविच तैयार है एकदम। इसके अलावा केक के चॉकलेट की फिलिंग्स को हम तैयार कर लेते हैं। पहले ये मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट है, उसमें 1 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे मेल्टेड, थोड़ा सा गरम दूध डालेंगे जिससे ये मेल्ट हो जाए, इसे
से मिक्स कर लेंगे इसे। हमारा चॉकलेट की फिलिंग तैयार है, इसे हम फ्रीजर में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अभी इसमें आधा कप दूध लेंगे पहले हम, एक टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। एक चम्मच तेल डालेंगे। मैंने मेजरमेंट से आधा कप शुगर पाउडर लिया है, वो डालेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। वेनिला एसेंस डालेंगे। फोर टेबलस्पून कोका पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वन कप मैदा लिया है, उसे हम अब मिक्स करेंगे इसमें। एकदम मिक्स कर लीजिए इसको। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे आधा स्पून, इसे भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चोको लगा के को हम बेक कर लेंगे। अब पहले हम बैटर को इस तरह डालेंगे। आज हम ओवन में चोको लावा केक बनाएंगे। ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, उसमें मैं बेक कर रही हूँ। होने के लिए हम लोगों ने रखा था फ्रीजर में, वो मैंने निकाल लिया। उसे हम एक एक चम्मच डालेंगे इसमें, इसको ऊपर से ऐसे इस तरह से। फिर से इसके ऊपर हम इस बैटर को हम डाल देंगे। तो ओवन में हम बेक होने के लिए डालेंगे। हीट कर लिया था, केक बनकर एकदम तैयार हो चुका है। इसे आप चाहे तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। देखिए हमारा केक एकदम बनके, चोको लावा केक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। बस हम कोको पाउडर ऐसे प्लेटिंग के लिए डस्ट कर लेंगे। केक को इस तरह से पलट लेंगे। हम आइसक्रीम भी रखेंगे।